Hello everyone, welcome to LearnSure, where learning begins. In the last class, we had finished present tense. Last class में हमने present tense को finish कर दिया है. Today we'll cover past. आज हम cover करेंगे past को, past के सारे tense को cover कर लेंगे. आपके general sense में basic क्या हो रहेगा और competitive exam में किस तरह के question आ सकता है और spoken के लिए कैसे हम इसको use कर सकते हैं. तो सारी चीज़ों को thoroughly जानेंगे. Let's start. देखो, सबसे पहले simple past tense. मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई थी लास्ट क्लास के अंदर कि कोई भी क्वेश्चन आए टेंस का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जनरली आपको ये बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, तो इसलिए मैं आपको बना बना कर बता रहा हूँ. तो कोई भी ये प्रेजेंट सिचुएशन में हम अभी, इससे पहले जो भी एक्टिविटी वो होगी हमारी पास्ट की और इसके आगे जो भी एक्टिविटी होगी वो हमारी फ्यूचर की. तो सिंपल पास्ट क्या कहता है? कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ. देखिए, मैंने सिर्फ ये बोला कि कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ, मैंने ये नहीं बोला आई डिडंट टेल यू कि कंप्लीट हो गया. सिर्फ आई सैड कि कोई एक्शन पास्ट में जब होता है तो हम लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस. जनरली जो एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको वो पास्ट का रेफरेंस दे देता है. तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, व्हेनेवर यू हैव पास्ट रेफरेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई पास्ट का रेफरेंस मिलता है तो 100% श्योरिटी है कि वो सिंपल पास्ट टेंस हो, अगर पास्ट का रेफरेंस है. मैं भी आपको थरली बताऊँगा आगे, अभी के लिए बस आपको ये टाइमलाइन बनानी है और ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक्टिविटी पास्ट में होती है तो वो सिंपल पास्ट के अंदर आती है. अब एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि वेयर डू वी यूज सिंपल पास्ट टेंस, कि हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज ही कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं. देखिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी पास्ट में होगी, पास्ट से ही बनेंगे. चार पास्ट है हमारे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन फोर में से ही कोई एक होगा. तो अगर कोई एक्टिविटी सिर्फ पास्ट में होती है, उस होने को हम शो करते हैं सिंपल पास्ट से. फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. आपको मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि आपको वर्ब सारी याद करनी है जो मैंने आपको लास्ट में बताई थी, तो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की. देखिए, आई मेट जॉन, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मैं जॉन से मिला. लेकिन मैं इसमें कोई भी पास्ट का रेफरेंस भी ऐड कर सकता हूँ. जैसे कि मैं बोलता हूँ आई मेट जॉन ऑन संडे, जो पिछला संडे गया है, मान लो आज सैटरडे है, पिछले हफ्ते मिला मैं संडे को, तो मैं बोलूँगा आई मेट जॉन ऑन संडे. यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए आई लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे संडे है और संडे पास्ट में जा चुका है. तो जो भी एक्टिविटी पास्ट को शो करना चाहती है, पास्ट के टाइम में कोई हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो हम लगाते हैं सिंपल पास्ट. अगर वो सिर्फ इंसिडेंट हुआ है, कंप्लीशन नहीं शो करे, कंप्लीशन के लिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस शो करना पड़ेगा. बट अगर जनरली कोई एक्टिविटी पास्ट में होती है तो वहाँ हम लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. वी ड्रोव कार, हमने कार चलाई, सिंपल चलाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. शी स्पोक हिंदी इन द इंटरव्यू, सपोज उसका इंटरव्यू हुआ 2018 में हुआ, मुझसे पूछा कि उसने इंटरव्यू में क्या लैंग्वेज यूज़ की, तो मैं बोलूँगा शी स्पोक हिंदी इन द इंटरव्यू, तो हिंदी यूज़ की थी उसने. पास्ट का रेफरेंस भी मैंने दे दिया. तो जब भी आपको पास्ट का रेफरेंस मिले या कोई पास्ट का हिंट मिले तो आप सिंपल पास्ट लगा दीजिएगा, अगर वो सिर्फ सिंपल पास्ट के होने को शो करता है, कंप्लीशन को नहीं. कंप्लीशन में दूसरी चीज़ है, लेकिन अगर जनरली कोई एक्टिविटी होती है और वो पास्ट में हो रही है तो अगर और उसके साथ अगर आपको कोई पास्ट का रेफरेंस मिल जाए तो सिंपल पास्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, नेहा रैन वेरी फास्ट इन द रेस. सपोज कोई रेस हुई है एनुअल फंक्शन डे पे और मैं आके घर पे बता रहा हूँ कि नेहा, जो मेरी मान लो कोई सिस्टर है, तो मैं बोलो नेहा रैन वेरी फास्ट इन द रेस, नेहा बहुत तेज दौड़ी. तो आप पास्ट का कोई भी एक्टिविटी आपको शो करनी है, कंप्लीशन शो नहीं करना है, तो आप लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कल मैंने आपको फीस दी, अब मैं ये बोल रहा हूँ कल मैंने दी, सिर्फ देने को शो करूँ, कंप्लीशन को नहीं, मैंने दी, तो मैं बोलूँगा आई पेड द फी यस्टरडे. गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको ये बोलना होगा कि मैं आपको फीस दे चुका था तो वो कंप्लीशन शो करेगा, तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा ये आई हैड पेड. तो ये सेंस का अलग है, जब आपको कंप्लीशन शो करना होगा तो लगेगा यहाँ पे, लेकिन अगर आपने येस्टरडे लगा दिया तो येस्टरडे सही नहीं होगा उसके साथ, फिर आपको लगा येस्टरडे हटाना पड़ेगा. तो येस्टरडे आ गया, पास्ट का रेफरेंस आ गया, तो ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू सिंपल पास्ट टेंस. गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए, Whenever we see past adverb of time, जब भी कोई adverb of time मिले, adverb of time मैं बताऊंगा जिनको adverb नहीं आता. Adverb of time का मतलब कोई भी time duration दे रखी है, जैसे अगर sentence के अंदर yesterday तो वो adverb है, last day तो adverb है, 2012, 2019 ये सब adverb में consider होंगे, तो adverb of time है ये. तो जब भी इनमें से कोई भी आपको adverb of time मिलेगा, any, the day before yesterday, previous year, 2014, कोई भी past का reference, always use and always make sentence with simple past tense. Like वी प्लेड चेस yesterday, ये तो सिंपल होगा, yesterday देखे हमने. जॉन फोट विद डेजी, जॉन डेजी से लड़ा. शी स्कोल्ड हर कार लास्ट ईयर,
सॉरी शी सोल्ड हर कार लास्ट ईयर, उसने क्या करा अपनी गाड़ी बेच दी लास्ट ईयर, और क्योंकि पास्ट का रेफरेंस है तो आप किसके साथ जाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट के साथ। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2016, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, देखिए जनरली एग्जामिनर आपको ऐसे दे देगा ये कि आई हैड, आई डिड यहाँ पे सॉरी आई हैड डन माई ग्रेजुएशन इन 2016। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर पास्ट का रेफरेंस दे रखा 2016, और पास्ट का रेफरेंस होता है तो वी ऑलवेज मेक सेंटेंस इन सिंपल पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड और डन बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डिड। तो दैट इज वाई आई यूज डिड, यहाँ पे इसलिए मैंने यूज किया है आई यूज, और डिड क्यों यूज किया है, क्योंकि आगे हमें पास्ट का रेफरेंस मिला हुआ है। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी पास्ट का रेफरेंस मिलेगा ऑलवेज मेक कि आप सिंपल पास्ट के साथ जाए, यहाँ पे तो डिड आएगा यहाँ पे, ठीक है, हैड डन नहीं आ सकता, हैड में आ रहा है रेफर। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच हैपेंड, देखो यहाँ पर भी मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, तो एनी एक्टिविटी विच हैपेंड इन द पास्ट वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। वी ऑलवेज मेक सेंटेंस इन पास्ट फॉर्म इफ वी हैव पास्ट रेफरेंस। तो वेन एवर वी हैव पास्ट रेफरेंस वी ऑलवेज मेक सेंटेंस इन सिंपल पास्ट, वेरी सिंपल। तो कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में है, हुई है जनरली, और आपको कंप्लीशन शो नहीं करना है, सिर्फ हुई दिखाना है, और आपके पास कोई पास्ट का रेफरेंस है तो सिर्फ आप जा सकते हो सिंपल पास्ट के अंदर, ठीक है। और अगर मैं आपको रेटिंग दूं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस बनाना हो, सबसे इजी सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट टेंस, कि आप अपने पूरे डेली लाइफ, पूरे डे का रूटीन बता सकते हो आपने क्या किया। जैसे मैं बोलूँगा मैं इंस्टीट्यूट गया, तो मैं बोलूँगा आई वेंट इंस्टीट्यूट, सिंपल। मैं सर से मिला, आई मेट सर, ठीक है। सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो सर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, वेरी सिंपल। तो ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट के मैं पूरे दिन का ब्यौरा दे रहा हूँ कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब भी आपको कोई ऐसी एक्टिविटी शो करनी है जो पास्ट में हुई है, सिर्फ आप लगा देंगे सिंपल पास्ट टेंस, और पास्ट का रेफरेंस है तो सिर्फ सिंपल पास्ट ही जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, थरली डिटेल में बता दिया था, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये स्लाइड कर ली मेरे साथ साथ, तो यू विल नेवर फेस एनी ट्रबल इन सिंपल पास्ट टेंस, फिर कभी भी आपको सिंपल पास्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेट्स सी कैसे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज शी स्कोल्डेड द बॉय। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको बताता हूँ। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो सबसे सिंपल है, जैसे सब्जेक्ट लग गई, वर्ब लग गई और ऑब्जेक्ट लग गई, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, होती है हमारी अफर्मेटिव, ठीक है। ये सबसे सिंपल फॉर्म है, यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट, तो ये सबसे सिंपल जो फॉर्म होती है वो होती है अफर्मेटिव। तो शी स्कोल्डेड द बॉय, उसने बॉय को डांटा। नेक्स्ट, अकबर फोर्ट विद महाराणा प्रताप, तो अकबर फोर्ट, फोर्ट लिखा वर्ब की सेकंड, लड़ा पास्ट में, तो महाराणा प्रताप से। स्टेजी मेड द केक, केक बनाया, सिंपल पास्ट चल रहा है। मदर किस्ड हर सन, सिंपल चल रहा है। वी स्विच्ड ऑफ द टीवी, ये देखिए फ्रेजल वर्ब, स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, तो स्विच ऑफ, ओ डबल एफ आता है इसमें, तो स्विच्ड और फ्रेजल वर्ब के साथ टेंस भी चेंज होता है, तो पास्ट है तो स्विच्ड, अगर प्रेजेंट होता तो स्विच, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेजल वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब देखिए, ये आपको पता लग गया अफर्मेटिव, अब हमें देखना है इंटरोगेटिव। आई हैव टोल्ड यू कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू कांट मेक सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव फॉर्म में आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते, तो हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी इंटरोगेटिव फॉर्म बनाएंगे आप सिंपल पास्ट की, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आगे पास्ट दे चुके होते हैं। देखिए कैसे इसका बनाते हैं, शी स्कोल्डेड द बॉय, आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हमें पता है डू डज अगर प्रेजेंट की है तो डिड किसकी है, पास्ट की, तो डिड। उसके बाद क्या लिखना हमें, हमें लिखना है फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी, डिड शी। अब यहाँ पे आप स्कोल्डेड नहीं लिख सकते, क्योंकि डिड के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फंसूँ, डिड शी स्कोल्ड द बॉय, क्या उसने बॉय को डांटा, क्वेश्चन मार्क, वेरी सिंपल। अब एक और इसका बना लेते हैं, स्टेसी मेड द केक, क्या बनेगा, डिड, क्या हो जाएगा, स्टेसी, क्या, अब यहाँ पे मेड नहीं आएगा, क्या आएगा, मेक, क्योंकि वी आर मेकिंग इंटरोगेटिव फॉर्म, और वो वी वन के साथ जाती है क्योंकि डिड लगा है, डिड के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिख देता हूँ, डिड के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं, तो डिड के साथ ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड स्टेसी मेक केक, सिंपल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, मैं कुछ करवा रहा हूँ, कुछ आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट, मदर किस्ड हर सन, क्या हो जाएगा, डिड
मदर, वेरी सिंपल, डेड मदर. अब आपको पता है यहाँ पे आप किस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस, हर, सन, और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क. तो वेरी सिंपल, आपको जब भी इंटरोगेटिव फॉर्म लगाना है डेड लगा दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डेड के साथ इवन ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट, डबल इंटरोगेटिव की बात करते हैं. वेरी सिंपल, वहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था, हमें यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली देनी पड़ती है. उसके बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन बना देते हैं कि डिड शी स्कोल्ड द बॉय, कि उसने बच्चे को डांटा, क्या उसने बच्चे को डांटा, हमें क्वेश्चन बनाना है कि उसने बच्चे को क्यों डांटा. बना दीजिए, आप बनाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली, वाई, आगे लिखेंगे डेड, फिर शी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्कोल्ड, वाई डिड शी स्कोल्ड द बॉय. वेरी सिंपल. नेक्स्ट बनाते हैं, डिड मदर के सर सन, वेन, कब, तो वेन डिड मदर किस हर सन. जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको बनाने हैं और मुझे बताएंगे आप, ठीक है. तो ये हमने बना दिए. तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है. कोई भी एक्टिविटी, मैं दोबारा बताता हूँ, कोई भी एक्टिविटी पास्ट में होती है तो सिंपल पास्ट, ठीक है. इंटरोगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आपको पता ही, और हेल्पिंग वर्ब में क्योंकि हमें डिड यूज़ करना होता है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वेरी वेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इस स्लाइड के अंदर. बट और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए मैं कुछ इनके बनवा देता हूँ, कुछ नीचे के. हमने डबल इंटरोगेटिव, अब मैंने आपको इंटरोगेटिव फॉर्म दिया है, तो अब आपको इंटरोगेटिव फॉर्म का बनाना है अफर्मेटिव और एक बनाना है डबल इंटरोगेटिव. तो डिड दे रीड दिस आर्टिकल, क्या उन्होंने आर्टिकल को पढ़ाई किया, तो आप क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दे. अब यहाँ पे डिड नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास रीड जो है या रेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, दे रेड दिस आर्टिकल, तो ये हो जाएगा दे रेड दिस आर्टिकल, क्वेश्चन मार्क नहीं. डिड जॉन पे द बिल, आप बनाएंगे जॉन पेड द बिल, बन गया सिंपल. ये क्या बनेगा, डिड शी राइट द लेटर, शी रोट द लेटर. तो अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस, सिंपल फॉर्मेट बना दो, सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन बनाना है कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आगे, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हमने डू डज करा था. नेक्स्ट, अब एक चीज ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट. वेरी सिंपल. और डबल इंटरोगेटिव के अंदर डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगा देंगे आप, क्या करना है, डब्ल्यू एच फैमिली में जब डबल इंटरोगेटिव बनाना है, डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. तो कोई भी एक्टिविटी पास्ट में हुई है सिंपल, तो आप लगाएंगे सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन बना डिड, बट डिड के साथ ऑलवेज रिमेंबर की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डबल इंटरवेटिव में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली. तो गाइज को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे बना, देखिए बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ तो सही लिखा हुआ है, वेन डिड शी एंटर इन द क्लास, की वो क्लास में कब आई, तो बच्चे एक तो चीज़ ये करते हैं, जैसे लिख देंगे सबसे पहले वेन, ठीक है, फिर वे बच्चे लिख देते हैं वेन शी डिड, ये गलत हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब वी वन, इन प्रेपोजिशन जो आपको लगाना है आगे, ऑब्जेक्ट है ये, तो ध्यान रखिएगा इसको. तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है. स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं इसी चीज़ में, कि वो लिख देते हैं, जैसे मैं इसका बना रहा हूँ, इस वाले का, वाई यू डिड मैसेज मी, कि आपने मैसेज क्यों किया, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा डिड, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ये वाला डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वी वन. वी वन से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि वो वी वन ना देकर आपको वी टू दे देगा, तो ये तो आपको एरर देगा ही देगा. वो ध्यान रखिएगा हमेशा वी वन लगेगी आपकी डेड के साथ. तो ये था सिंपल पास्ट टेंस, वेरी इजी. अब देखिए, हाउ डज एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन इन द एग्जाम, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देगा, क्योंकि मैंने आपको आपकी समझा दिया, अभी आप कर जाएंगे, आप पोज लगाकर इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर समझ सकते हैं, बाकी मैं अब आपको कंटिन्यूसली सिखा रहा हूँ. देखो पहले आपको ट्राई करना है एक बार. सबसे पहला क्वेश्चन है, वी हैड बॉट द लैपटॉप फ्रॉम नेहरू प्लेस यस्टरडे, हमने लैपटॉप खरीदा यस्टरडे नेहरू प्लेस से. एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया सिंपल पास्ट, अगर आपको कहीं पर पास्ट का रेफरेंस दिख रहा है और पास्ट का रेफरेंस दिख रहा है, तो आपको सिंपल पास्ट बनाना है, पास्ट परफेक्ट नहीं बनाना है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप लगाएंगे एरर किसके अंदर है, ए पार्ट के अंदर, या फिर ये मैं आपको समझाने के लिए था, एरर किस पार्ट के अंदर, ए पार्ट के अंदर, या फिर आपको यस्टरडे हटाना पड़ेगा. यस्टरडे क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट टाइम रेफरेंस नहीं आ सकता और आप कुछ हटा नहीं सकते, यस्टरडे थोड़ी हटा सकते हो. आप क्या हटाओगे, आप हटाओगे हैड नहीं आएगा यहाँ पे, आप लगाएंगे एरर इसका ए में, तो आप बोलोगे वी बोट, क्योंकि आप कोई वर्ड नहीं हटा सकते, आप टेंस को चेंज करके ठीक कर सकते हो. यहाँ पे यस्टरडे तो
कल के बारे में बोल रहा है, लेकिन पास्ट का रेफरेंस आपका हमेशा जाता है सिंपल पास्ट के साथ। तो एरर इसका ए में, वी बोट द लैपटॉप फ्रॉम नेहरू प्लेस यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रेड दिस आर्टिकल इन 2012। मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था 2012 में। अब देखो मैंने बोल भी दिया आपको, मैंने मान लो आज 2020 चल रहा है, मैंने कब पढ़ा ये 2012 में, कब हुआ ये इंसिडेंट, कोई भी पास्ट में हुआ, और साथ में क्या दे दिया, पास्ट का रेफरेंस। पास्ट का रेफरेंस मिल गया तो सिंपल सी बात है क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ सिंपल पास्ट। तो एरर क्या हो जाएगा आपका, इसका एरर है ए में। तो आप बोलेंगे आई रेड दिस आर्टिकल इन 2012, तो आप लगाएंगे एरर इसका ए पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई अपलोड वीडियो ऑन द कोरोना वायरस लास्ट मंथ। मैंने कोरोना वायरस पे लास्ट मंथ में एक वीडियो डाली थी गाइज, लास्ट मंथ, फिर से पास्ट रेफरेंस। तो आप यहाँ पे अपलोड, और यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी वन लगती है जब काम हमेशा होता है, लास्ट मंथ हुआ है काम, हमेशा कहाँ हुआ है, आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट में बताया था। अपलोड नहीं आएगा गाइज, यहाँ पे आएगा आपका अपलोडेड, क्यों, क्योंकि ये काम पास्ट में हुआ है। तो इसका भी एरर ए में। Why you did join this academy? आपने academy join क्यों की, देखिए why you did join this academy, double interrogative का format मैंने आपको बताया, WH family बिल्कुल ठीक है, but question में हमेशा WH family के बाद आता है आपका helping verb, इन्होंने दिया है नहीं दिया, उन्होंने सबसे पहले subject दे दिया, तो ये भी error क्या है, A में। answer इसका बनेगा, जो correct form होगा वो होगा why did you आएगा इसमें, ठीक है, why did you। next, did she knew about this incident, क्या उस incident के बारे में इसको पता था, पहली बात, देखिए सर इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ है लेकिन क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर, ठीक है। डिड शी न्यू अबाउट दिस इंसिडेंट, क्या वो इस इंसिडेंट के बारे में जानती है, सबसे पहली चीज़ डिड है, इंटरोगेटिव फॉर्म बना रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिड है, शी है, बट डिड के साथ आई टोल्ड यू, डिड के साथ ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड शी नो, न्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, नो, डिड शी नो अबाउट दिस इंसिडेंट, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम पर उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, देखिए हाउ हेल्प, डबल इंटरोगेटिव फॉर्मेट है, WH फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं, डिड है हेल्पिंग वर्क कोई प्रॉब्लम नहीं, दे सब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, रिस्पॉन्ड वर्क की फर्स्ट फॉर्म कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, नो एरर गाइस। तो इसका आंसर है नो एरर, क्योंकि इसमें फॉर्मेट सही है, सेंटेंस सही है, और वो बोलना चाह रहा है पास्ट के बारे में, तो सिंपल सेंटेंस सही है, हो जाएगा हमारा बिल्कुल नो एरर। आप जाएंगे इसके अंदर ए बी सी डी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड आई डैश यू, सपोज आई एम आस्किंग समवन कि क्या मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, तो डिड आई डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्टेड, हैज डिसरिस्पेक्टेड, हैड डिसरिस्पेक्टेड। देखो अगर आप बोल रहे हो कि क्या मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया और आपका मतलब पास्ट रेफरेंस है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन जाएगा यहाँ पे, और वो जाएगा डिड आई डिसरिस्पेक्ट यू, क्या मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। डिसरिस्पेक्टेड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और डिड है, डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वी कांट मेक टू वर्ब सेकेंड फॉर्म नहीं यूज कर सकते, तो हम लगाएंगे वन। हैज डिसरिस्पेक्टेड आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, याद कीजिए जब कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है या रिसेंटली हुआ, तो मैंने डिड के साथ ही आ ही नहीं सकता हैज, और ना ही डिड के साथ हैड आ सकता है, तो सब गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। शी डैश द कार एट 120 किलोमीटर पर आवर, देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो गाड़ी चलाती है 120 किलोमीटर पर आवर पर, तो ये सेंटेंस बी भी ठीक है, याद करिए अगर मान लो हमेशा चलाती है तो रन सी आएगा, लेकिन यहाँ पर रैन भी आ सकता है गाइस। तो एसएससी में कई बार देखा है कि दो ऑप्शन आते हैं, दोनों हो सकते हैं और दोनों ही हो सकते हैं यहाँ पे, तो याद रखिए रन्स भी ठीक है अगर उसका मतलब ये है कि वो गाड़ी हमेशा चलाती है, और अगर उसने सिर्फ चलाई कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि उसने गाड़ी 120 पे चलाई तो रैन, अगर वो चलाती है तो रन्स, तो एक्टिविटी रोज हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं हो रही तो सिंपल पास्ट टेंस, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डैश शी राइट ऑन द पेपर, उसने पेपर पे क्या लिखा, तो क्या लिखा आप बताएंगे, व्हाट डैश शी राइट ऑन द पेपर, ऑब्वियसली बात है व्हाट है, पास्ट का देना है, तो आप लगाएंगे डिड, आप यूज करेंगे डिड यहाँ पर, और कुछ यूज नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में आप यूज करेंगे व्हाट डिड शी, उसने क्या लिखा पेपर पे, तो व्हाट डिड शी राइट ऑन द पेपर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो गाइज ये था सिंपल पास्ट टेंस, एग्जाम के इससे इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका स्टेटमेंट, सेंटेंसेस या पैसेज बड़ा है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा सिंपल पास्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, कोई क्वेरी यू कैन कमेंट बिलो, आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब आई हैव टोल्ड यू, वी वन प्लस आई एन जी, देख लीजिए फॉर्मेट क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट
अब क्योंकि पास्ट है तो वॉज वर, प्रेजेंट में हमने लगाया था इज एम आर, तो वॉज वर, वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज मैंने बताया था अगर किसी भी वर्ब के एंड में एस है तो वो क्या है वर्ब, सिंगुलर, और अगर किसी भी वर्ब में एस नहीं है तो वर्ब क्या है प्लूरल, वेरी सिंपल। तो एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी विच वॉज कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस थी पास्ट में, जैसे ये हमारे टाइम लाइन है, पास्ट के अंदर हुआ तो सिंपल पास्ट बनाया हमने अभी रिसेंटली, बट अगर कोई काम पास्ट के अंदर क्या था, रनिंग में था, मतलब वो चल रहा था, तो रनिंग के लिए हम लगाते हैं सिंपल पास्ट, नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इफ आई एम सेइंग कि मैं पियानो बजा रहा है तो हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग पियानो, शी वॉज मेकिंग न्यू आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स बना रही थी, देवर फाइटिंग विद ईच अदर, वो आपस में लड़ रहे थे ईच अदर, डोनाल्ड ट्रंप वॉज थिंकिंग अबाउट द चाइनीज न्यू पॉलिसी, जो टीटी हमारे डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे किसके बारे में, चाइना की न्यू पॉलिसी के बारे में, राहुल गांधी वॉज गिविंग स्पीच इन राज्यसभा, दे रहे थे राज्यसभा में स्पीच, क्या यूज़ किया इन्होंने, इन्होंने यूज़ किया है फॉर्मेट, क्या सब्जेक्ट लगाया, फिर वॉज वर वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। कोई भी एक्टिविटी पास्ट में हो रही है और वो चल रही थी तो सिंपल पास्ट नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बोला राहुल, अभी लिखा सेंटेंस, राहुल गांधी वॉज गिविंग स्पीच इन राज्यसभा, ठीक है, दे रहे थे, राजीव गांधी क्या है हमारा सब्जेक्ट, वॉज क्यों आया क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ पे लगाई हमने वर्ब, क्या लगाई वॉज, उसके बाद क्या लगता है आई एन जी, और आई एन जी के बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल। यह है राहुल गांधी वॉज गिविंग स्पीच इन राज्यसभा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वेरी सिंपल। अगर आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना है, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, बस आगे हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। तो वॉज राहुल गांधी वॉट गिविंग वॉट स्पीच इन राज्यसभा, और क्वेश्चन मार्क लगा दे, वेरी सिंपल। और अगर मैं बोलता हूँ कि वो क्यों दे रहे थे, तो आप पूछेंगे Why was हमेशा ध्यान रखना, why was राहुल गांधी giving speech, बच्चे क्या गलतियां करते हैं, why राहुल गांधी was नहीं आएगा, क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको राहुल गांधी was नहीं लिखना है, फॉर्मेट याद रखना है WH family, helping verb, subject, V1, ing plus object, इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और इसके अलावा कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट, She was writing a story. वो क्या कर रही थी? Story write कर रही थी. Question क्या बनेगा? Helping verb. तो आप बनाएंगे Was she writing a story? कैसे बना रही थी? तो How was she writing a story? तो गाइज बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, बहुत ही सिंपल हो जाता है, बट सिंपल पास्ट वाला आपको ध्यान रखना है। अब आगे करते हैं, आगे नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था सिंपल पास्ट, लेकिन अगर मैं आपको इवेल्युएट करके बताऊँ, सबसे ज़्यादा जिसमें क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो पूछता है पास्ट परफेक्ट टेंस से। सबसे पहली चीज़ फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है आपका, सब्जेक्ट हैड वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट है, बहुत ईजी है। एनी एक्टिविटी विच हैड फिनिश्ड, देखिए सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस ध्यान रखना है कि कोई भी एक्टिविटी पास्ट के अंदर क्या हो चुकी है, कंप्लीशन शो करना हो आपको, जब भी कोई एक्टिविटी को पास्ट में कंप्लीट करके शो करना हो या कंप्लीशन शो करना हो, तब आप लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उसने अपनी गाड़ी बेच दी थी, तो शी हैड सोल्ड हर कार, यहाँ पे हैड सोल्ड क्यों आया, क्योंकि ये काम हो चुका है, कंप्लीट करके दिखाना है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे हैड सोल्ड लगाया। दे हैड मेट द डॉक्टर बिफोर द सर्जरी, दे हैड मेट द डॉक्टर बिफोर द सर्जरी, मतलब वो मिल चुके थे डॉक्टर से सर्जरी से पहले, ठीक है। शी हैड ड्रिवन द कार, वो गाड़ी चला चुकी थी, या द टीचर हैड इन्फॉर्म्ड अस, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था। तो कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट के अंदर कंप्लीट हो जाती है उसमें लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ऐसे तो कोई भी बना दो, जैसे आप बोलोगे आई हैड सीन ताजमहल या द ताजमहल, सिंपल है। लेकिन एग्जामिनर कभी इतना छोटा सेंटेंस सेंस में नहीं पूछेगा वो आपसे, वो क्या करेगा, बट एग्जामिनर विल नॉट आस्क क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेशन, ही विल गिव यू टू स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान, ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
क्या करेगा वो आपको दो इंसिडेंट दे देगा, दो स्टेटमेंट दे देगा। कैसे? आई हैड ऑलरेडी पेड द चलान अमाउंट, आई हैड ऑलरेडी पेड द अमाउंट ऑफ चलान लिखेगा आप लोग, अमाउंट ऑफ चलान बिफोर माई मदर सो द चलान। तो मेरे मदर के चलान देखने से पहले ही मैंने चलान को पे कर दिया था। मतलब यहां पे देखिए उसने दो एक्टिविटी दे दी आपको, सॉरी दो एक्टिविटी दे दी यहां पे। एक एक्टिविटी के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी, ये जो दो एक्टिविटी होगी उसके अंदर एक एक्टिविटी होगी अर्लियर, मतलब एक एक्टिविटी पहले होगी और एक एक्टिविटी होगी लेटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एक्टिविटी, दो एक्टिविटी एक के बाद एक दिखानी हो आपको या साथ में शो करनी हो, तो उसके अंदर एक फॉर्मेट को फॉलो करना है जो अभी हम करके दिखाएंगे आपको। देखो कैसे करेगा वो, दो स्टेटमेंट देगा। तो आपको ध्यान रखना है जो पहले जो हुआ है, जो इंसिडेंट पहले हुआ है, उसमें आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब सब्जेक्ट हैड वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट जो पहले हुआ है, और जो बाद में हुई एक्टिविटी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट हमने पढ़ी लिया, सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे बोला द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, बारिश होने से पहले ही सारी क्रॉप्स खराब हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉप्स पहले खराब हुई, तो क्रॉप्स के साथ मैंने क्या लगाया, हैड डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये क्या हुआ है अर्लियर। तो जो अर्लियर होता है वो पहले, और जो बाद में होता है सिंपल पास्ट। तो इट रेन्ड में क्या लगा है, सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है जो बाद में हो रहा है उसमें सिंपल पास्ट, और जो पहले हो रहा है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, शी हैड ऑलरेडी सीन द मूवी बिफोर इट रिलीज, उसके रिलीज होने से पहले मूवी के उसने देख ली। तो पहले क्या हुआ, मूवी देख ली, तो हैड सीन, यहाँ क्या है अर्लियर है, और क्योंकि अर्लियर है तो अर्लियर होने की वजह से हमें क्या लिखना पड़ रहा हैड, और बाद में क्या हुआ रिलीज, तो यहाँ क्या हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले आपको पोज करके खुद से ठीक करना है इन सेंटेंसेस को, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको पोज करने के बाद, फिर खुद ट्राई करके फिर मेरी लेक्चर को सुनना है। पहला क्वेश्चन है द मूवी हैड फिनिश्ड व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा मूवी खत्म हो चुकी थी। देखिए द मूवी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, मूवी खत्म हो चुकी थी व्हेन आई, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा। तो पहले क्या हुआ, ऑब्वियसली मूवी खत्म हुई है, तो मूवी खत्म हुई तो हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे लगा रखा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। व्हेन आई, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, तो आप पहुंचे, लेकिन यहाँ पे व्हेन आई रीच नहीं आएगा। अब आपको मैंने बताया जो एक्टिविटी बाद में होती है उसमें क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आएगा द मूवी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल। नेक्स्ट द शॉप हैड क्लोज्ड व्हेन आई रीच्ड एट द मार्केट, द शॉप हैड क्लोज्ड व्हेन आई रीच्ड एट द मार्केट, जब मैं मार्केट में, शॉप बंद हो चुकी थी। देखिए वैसे तो ये पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव के अंदर यहाँ पे बीन आएगा, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपको लिए जिनको एक्टिव पैसिव नहीं आता, ये मैं आपको इसका आंसर दूंगा एक्टिव पैसिव के अंदर। वैसे जिनको पता है मैं बताता हूँ, पैसिव सेंटेंस के अंदर बीन लगता है और जब हमारे पास डूअर नहीं होता, तो यहाँ पे डूअर नहीं तो लगेगा द शॉप हैड बीन क्लोज्ड। आई विल टेल यू लेटर, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो गाइज इस पर भी ध्यान नहीं देना, अभी आपको सिंपल सेंटेंस पे ध्यान देना है, जो कि एक्टिव पैसिव, इसके बाद जो कंडीशनल सेंटेंस होगा उसके बाद एक्टिव पैसिव कराऊंगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, आई हैड फिल्ड द फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट, लास्ट डेट से पहले मैंने फॉर्म फिल कर दिया। ऑब्वियसली बात है लास्ट डेट बाद में आएगी, फॉर्म पहले फिल किया आपने, पहले किया तो हैड फिल्ड, बिल्कुल ठीक है, नो एरर। All the students had already gone before I enter in the class. मेरी क्लास में पहुंचने से पहले सारे बच्चे जा चुके थे, पहले काम क्या हुआ, सारे बच्चे जा चुके हैं, तो all the students had already gone, बिल्कुल ठीक है, had भी है और gone भी है, तो पहले काम यही हुआ है, बच्चे गए मेरे जाने से पहले, मैं बाद में पहुंचाऊँ, before I, फिर से ध्यान रखना है entered आएगा यहाँ पे। The principal announced the result before I read it, मेरे पढ़ने से पहले ही प्रिंसिपल ने अनाउंस रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, तो प्रिंसिपल अनाउंस नहीं आएगा गाइज, यहाँ पे आएगा द प्रिंसिपल हैड अनाउंस, लिखा ना यहाँ पे बिफोर, देखिए इसको पता लगाने का तरीका, यहाँ पे बिफोर भी है व्हेन भी है, ठीक है, तो बिफोर मतलब उससे पहले, तो पहले वाला बिफोर से पहले क्या होगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा रेड, रेड है यहाँ पे, रेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रीड रेड रेड पढ़ते हैं, रेड होता रीड सेम स्पेलिंग। प्रेजिडेंट इम्पोज द इमरजेंसी बिफोर द पीपल हैड रिएक्टेड इट, लोगों के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही प्रेसिडेंट ने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी, तो इमरजेंसी लोगों के रिएक्ट करने से पहले लगाई है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ने पहले, प्रेसिडेंट इम्पोज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैड इम्पोज, तो प्रेसिडेंट हैड इम्पोज द इमरजेंसी बिफोर द पीपल, हैड नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये तो बाद में हुआ है, यहाँ पे आएगा बिफोर द पीपल रिएक्टेड इट। आपके एग्जाम में दो एरर नहीं आएंगे, वो एक ही देगा आपको, यहाँ तो मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए दोनों एरर दे दिए मैंने आपको, ठीक है।
तो गाइज ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है आपको कि दो एक्टिविटी देगा वो आपको, एक अर्लियर और एक लेटर। जो पहले होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो बाद में होगी वो सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का एक जो इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है वो रखना है डिड के साथ ऑलवेज यूज वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाइज लास्ट टेंस जो कि आज का है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की जाएगी तो फॉर्मेशन है आपका सब्जेक्ट हैड बीन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो वो है कि एनी एक्टिविटी विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। तो कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी भी चल रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन कोई एक्टिविटी पास्ट में कुछ समय से लेकर कुछ समय तक चली, कुछ समय से कुछ समय तक चली और फिर खत्म हो गई, तो वहां लगाते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं चेस खेल रहा था, शी है वो या वो, शी हैड बीन प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रही थी, कुछ समय खेला हुआ उसने। आई हैड बीन राइटिंग दिस बुक, मैं इसको लिख रहा था। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर जब भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको बनाना है तो दो चीजें ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या होगा, आपको एक तो एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी की, जो कि यहाँ शो हो रही है। हालांकि ये सेंटेंस भी ठीक है पार्शियली, बट अगर आपको करेक्ट फॉर्मेशन यूज करना है तो कंटिन्यूटी के साथ आपको उस सेंटेंस को फिनिश करके दिखाना पड़ता है। अगर आपने फिनिश करके दिखा दिया तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। कैसे देखते हैं अभी। तो इसको सही सेंटेंस बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस को बनाना चाहते हो तो आप उसके अंदर कंटिन्यूटी दिखा दीजिए और कंटिन्यू के साथ फिनिश करके दिखा दीजिए। कैसे, जैसे I had been waiting for the result. मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था 4 आवर से, ठीक है। तो आप देखो ये हमारी टाइम लाइन है, आप मान लो 8 बजे वेट करना स्टार्ट किया सुबह और 8 से बज गए 12, तो कितने घंटे आपने वेट किया, 4 घंटे। तो ये मतलब इसका, तो I had been waiting for the result for 4 hours, तो 4 घंटे आपने वेट किया, तो कंटिन्यूटी दिख गई इसके अंदर, ठीक है। जब when the result अनाउंस, जब उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो 4 घंटे आपने कंटिन्यूटी वेट की, उसके बाद काम हुआ। तो कोई भी एक्टिविटी पास्ट के अंदर कुछ समय तक चलती है और फिर वो फिनिश हो जाती है तो वहाँ लगाते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और वही याद कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 8 बजे से वेट करना स्टार्ट किया और मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, तो वहाँ लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 8 AM। तो 8 बजे से वेट करो तो आप ये बनाएंगे। लेकिन पास्ट के अंदर कुछ समय से कुछ समय तक जब आप कंटिन्यूटी रहते हो, कंटिन्यूटी शो करना चाहते हो, फिर फिनिश करोगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी हैड बीन रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट को चला रही थी सिंस 2015 से। अब चला रही थी, मान लो इधर एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे आज 2020 है, मान लो 2010 में उसने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और 2015 तक चलाया, तो बनेगा शी हैड बीन रनिंग दिस 2015 तक, सॉरी 2015 से चला रही थी, तो 2015 में स्टार्ट किया उसने, व्हेन शी स्टार्टेड न्यू बिजनेस, तो 2015 तक उसने काम किया बिजनेस पे, फिर उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो मतलब 2015 तक तो किया, कोई भी टाइम हो सकता है 10 से 12 से कभी से स्टार्ट किया हो, लेकिन 15 तक पढ़ा, इंस्टीट्यूट चलाया, फिर उसने क्या किया, नया बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट, वी हैड बीन टीचिंग हिस्ट्री, हम पाँच साल से हिस्ट्री पढ़ा रहे जब हमने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मतलब 5 साल तक तो हमने हिस्ट्री पढ़ाई कंटिन्यूटी, फिर हमने एक नया हल्का ब्रेक दिया इसके अंदर, क्या किया हमने फिर स्टार्ट इंग्लिश। तो जब आपको ये दिखाना होता है कि कोई एक्टिविटी पास्ट में कुछ समय के लिए एक्टिव थी और वो फिनिश होगी तो पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखना गाइज, यहाँ पे आप हैज नहीं लगा सकते कभी भी, हैड ही आएगा। शी हैड बीन वर्किंग इन द गूगल, गूगल में वो काम कर रही है 15 सालों से, जब उसने जॉब छोड़ी, तो मतलब 15 साल तक तो काम किया फिर छोड़ दी, तो कंटिन्यूटी दिखी आपको, कंटिन्यूटी के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यू शो करनी है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए कंटिन्यू दिखा दी, साथ में फिनिश कर दिया। तो कोई भी एक्टिविटी पास्ट में कुछ समय चलती है और खत्म हो जाती है, आप लगाते हो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। जैसे अगर आप बोलते हो कि मान लो आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो और आपकी जॉब लग जाती है, तो आप बोलोगे आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर, मान लो CGL, फॉर 6 months, वेन आई, अब when I got the job, जब मुझे जॉब मिली। तो गाइज ध्यान रखना है, हैड बीन क्यों आया, क्योंकि आपने 6 महीने पास्ट के अंदर कुछ काम किया, अभी भी कर रहे हो, नहीं अब तो नहीं कर रहे ना, अब तो आपने कुछ अलग कर रहे हो, अभी आपको जॉब मिल गई तो आप नहीं कर रहे, तो ध्यान रखना
कोई भी एक्टिविटी पास्ट के अंदर एक्टिव होती है कुछ समय के लिए, तब हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वो कुछ समय के बाद फिनिश भी हो जाती है। एक रिव्यू कर देता हूँ मैं आपका छोटा सा। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, कोई भी एक्टिविटी पास्ट में होती है तो सिंपल पास्ट टेंस। फॉर्मेट आपको पता है, फॉर्मेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बनाने पे ध्यान रखना है आपको, डिड लगाना है, लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और फॉर्मेट को ध्यान रखना है कि डब्ल्यू एच फैमिली के बाद ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट। तो गाइज ये गलतियाँ होती है, प्रैक्टिस कीजिएगा आप दोबारा से, ठीक है। आज के लिए इतना रखेंगे गाइज, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे फ्यूचर टेंस को, तो प्रैक्टिस। थैंक यू गाइज़।